अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वायरस चैप्टर से एक और लेक्चर करने जा रहे हैं हम लोग। और लेक्चर हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। देखिए, हम जानते हैं कि वायरस जो है ना, एक ऐसा, आप इसको जानदार भी नहीं कह सकते कंप्लीट, और आप वायरस को कंप्लीट नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते। तो वायरस हमारे पास जो है ना, बॉर्डर लाइन होता है, ठीक है। मतलब बॉर्डर लाइन वायरस शो सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग, ठीक है। तो वायरस हमारे पास क्या है, वायरस इज आर द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वायरस आर कंसिडर टू बी द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब यह है कि वायरस कुछ करेक्टर जो है ना लिविंग के शो करते हैं, और कुछ करेक्टरिस्टिक जो है ना नॉन लिविंग के शो करते हैं। तो वायरस को हम ना कंप्लीट नॉन लिविंग कह सकते हैं, और ना ही जो है ना हम कंप्लीट लिविंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जो खसूसियात पढ़ेंगे वायरस के, वो हम पढ़ेंगे एज अ नॉन लिविंग, और अगले लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे एज अ लिविंग, ठीक है। तो पहला जो करेक्टर है वायरस का, वो ये है कि वायरस नॉन सेलुलर एंडोपेरासाइट। तो मतलब ये वायरस जो है ना, ये नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर का मतलब ये है कि वायरस को जब आप देखते हैं ना, जैसे हमारे पास बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, तो आप इस तरह वो टेडपोल की तरह आपको नज़र आता है, ठीक है, इस तरह। और इसके जो है ना टेल्स भी होते हैं, ठीक है, टेल फाइबर्स, और इसके अंदर आपको जस्ट जो है ना इस तरह डीएनए नज़र आता है, डीएनए आरएनए नज़र आता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए, में भी डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड। मतलब या तो वायरस के अंदर डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको हेड नज़र आ रहा है, ठीक है, टेल नज़र आ रही है, लेकिन इसके अंदर ना तो आपको कोई सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है, ना तो आपको इसको कोई न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, सेल की तरह स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये क्या है, नॉन सेलुलर है, ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। अच्छा, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या हुआ कि ये एंडोपेरासाइट है, ऑब्लिगेट एंडोपेरासाइट। पैरासाइट टू टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास एंडोपेरासाइट्स होते हैं जो होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं, और एक्टोपेरासाइट वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है और एंडोपेरासाइट है, मतलब ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और होस्ट के बगैर ये रह नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन लिविंग करेक्टर है वायरस का, इट डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पहले बता चुका हूँ कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वायरस का नहीं होता है। जैसे कि सेल के अंदर जो है ना ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें वायरस के पास नहीं है। तो ये भी कौन सा करेक्टर हो गया वायरस का, एज अ नॉन लिविंग करेक्टर हो गया, ठीक है, इट डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड हमारे पास करेक्टर है, वायरस आर ए सेलुलर, ठीक है। ये तीनों करेक्टर, बस यहाँ पर ये है कि पैरासाइट वाला थोड़ा डिफरेंट हो गया, ये तीनों करेक्टर जो है ना रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। ए सेलुलर है मतलब ये विदाउट सेल है, ए जहाँ पर भी वर्ड आ जाए बायोलॉजी में, इसका मतलब होता है विदाउट। तो वायरस जो है ना ए सेलुलर है, वायरस का कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट करेक्टर है, वायरस बिकेम इनएक्टिव फॉर इनडेफिनेट पीरियड्स विदाउट रेप्लिकेशन। अच्छा, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें वायरस अपनी कॉपीज बनाते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन हमारे पास क्या है, रेप्लिकेशन हमारे पास क्या, कॉपीज फॉर्मेशन है, ठीक है, कॉपीज फॉर्मेशन। एक तो होता है रिप्रोडक्शन ना, तो रिप्रोडक्शन हमारे पास वो प्रोसेस होते हैं जिसमें जानदार अपनी नस्ल आगे इंक्रीज करते हैं, वो रिप्रोडक्शन है। लेकिन यहाँ पर वायरस के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिप्लिकेशन, डीएनए के लिए भी करते हैं, जिसमें वायरस अपनी कॉपीज बनाता है, ठीक है। तो वायरस जो है ना, ये काफ़ी टाइम के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या हो जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। और काफ़ी सेल के बाहर महीनों तक भी जा सकते हैं, साल तक भी जा सकते हैं, और उस पीरियड ये कोई रेप्लिकेशन नहीं करता, मतलब अपनी नस्ल नहीं बढ़ाता। तो ये भी वायरस का एक नॉन लिविंग करेक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है फिफ्थ जो करेक्टर है हमारे पास, दे कैन नॉट परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे पास, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, और हमारी बॉडी में बहुत सारे टूट फूट का हमारी बॉडी के अंदर जो है ना रिएक्शन चल रहे होते हैं। कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं, कुछ चीज़ें बन रही होती हैं, जैसे मतलब रेस्पायरेशन है, डाइजेशन है, ठीक है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन है, प्रोटीन
फॉर्मेशन है। तो ये जो सारे जो रिएक्शन चल रहे होते हैं जानदारों की बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म, अच्छा मेटाबॉलिज्म के फिर टू टाइप्स है, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में कंपाउंड टूट रहे होते हैं जैसे कि रेस्पायरेशन है, और एनाबॉलिज्म में कंपाउंड बन रहे होते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है ना, ये वायरस की बॉडी में परफॉर्म नहीं होता, ठीक, ये भी एज अ नॉन लिविंग करेक्टर है। उसके बाद हमारे पास दे कैन क्रिस्टलाइज, ये क्रिस्टल फॉर्म में चला जाता है। जब ये लिविंग सेल के अंदर होता है तो वहाँ तो ये लिविंग करेक्टर शो करते हैं, लेकिन जब ये लिविंग सेल से बाहर आ जाता है तो फिर ये क्रिस्टल फॉर्म में चला जाता है। तो ये भी एज अ नॉन लिविंग करेक्टर है वायरस का, ठीक। उसके बाद हमारे पास सातवां जो करेक्टर है, दे कैन नॉट परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज। वाइटल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि डाइजेशन है, ठीक है, जैसे कि रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन, जैसे कि एक्सक्रीशन वगैरह है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन जो बॉडी से, हमारी बॉडी से अनवांटेड चीज़ें बाहर निकल रही होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है जो वाइटल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ये सारी वाइटल एक्टिविटीज़ वायरस परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी एज अ नॉन लिविंग करेक्टर है। और हमारे पास जो आठवां और लास्ट करेक्टर है, दे एक्ट एज अ नॉन लिविंग नॉन रिएक्टिव पार्टिकल आउटसाइड द लिविंग सेल। मतलब ये जब लिविंग सेल से बाहर चला जाता है तो एज अ नॉन लिविंग पार्टिकल के तौर पर ये फिर हमें नज़र आता है। मतलब ये वहाँ पर ये लिविंग तो तब ये बनता है जब ये सेल के अंदर चला जाता है। सेल के अंदर जब होता है तो सेल के अंदर ये सेल का ही मटेरियल वगैरह यूज करता है और अपनी प्रोटीन वगैरह बनाता है ये। तो इस वजह से इसको हम जो बाहर देखते हैं सेल के बाहर, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ये नॉन लिविंग होता है और नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पर नॉन रिएक्टिव है, नॉन लिविंग है। सो दिस इज ऑल अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस एज अ नॉन लिविंग। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वायरस के करैक्टर पढ़ेंगे एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म।